हेलो एवरीवन दिस इज़ बीन साफ क्या है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक का कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या आपकी विश पूरी होगी इस मंथ हाँ या ना जिस मंथ में भी आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो ये रीडिंग उस मंथ के लिए एप्लीकेबल होगी आपकी जो भी विश है लव लाइफ से रिलेटेड है कैरियर से रिलेटेड है कोई भी विश है जो आप पूरा करना चाहते हो आई होप कि आपको उसके बारे में गाइडेंस मिले इन्फॉर्मेशन uh, मिले कि क्या आपकी वो विश इस महीने में पूरी होगी हाँ या ना इसके अलावा मैंने दो ओरिकल कार्ड्स इंक्लूड किए हैं एक लवर्स ओरिकल में से है और एक दूसरा है सो आई होप कि अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड यू नो एक uh, विश है तो उसमें आपको लवर औरल के गाइडेंस से थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा कि क्या करके आपकी विश पूरी हो सकती है अगर इट्स अबाउट समथिंग एल्स तो हो सकता है कि दूसरा कार्ड जो है वो आपको गाइड करे कि क्या करना चाहिए आपको ताकि आपकी जो विश है वो जल्दी पूरी हो जाए सो so, दो पायल्स हैं मेरे पास यहाँ पे ब्लू फॉन और एक है येलो सॉरी पिंक फॉन सो so, आपको जो भी फोन uh, चूज़ करना है टू नो कि क्या आपकी विश पूरी होगी इस महीने में तो आप कोई भी चूज कर सकते हो आई एम गना स्टार्ट द रीडिंग बिफोर आई डैव इन टू इट लेट मेरे माइंड यू कि जनरल बीडिंग है सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच कर रहे हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो बाकी सबको छोड़ दो अगर आप पर्सनल reading चाहते हो पेपॉल से या easy पैसे से पेमेंट कर सकते हो तो ही मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग हम पायल uh, ब्लू से ब्लू फॉन जिन्होंने चूज़ किया है टू सी कि आपकी विश पूरी इस महीने में होगी हाँ या ना तो लेट्स फाइंड आउट Blue आपको पता है, है. <laughs> so, yeah. uh, टैरो से पहले और उसके बाद फिर गाइडेंस देखेंगे क्या आपकी विश पूरी होगी इस महीने हा या ना नाइन ऑफ नाइन ऑफ सोड्स आपको ऑलरेडी काफी सारी गाइडेंस या एक इनर कॉलिंग आ रही होगी अबाउट दिस पर्सन दिस सिचुएशन दिस रिलेशनशिप दिस जॉब जो कि आप पूरा करना चाह रहे हो मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों ने जिन्होंने ये पाए चूज किया उनका Uh, जो भी विश है इट्स कनेक्टेड टू देयर लव लाइफ लेकिन सम हाउ आप अपने लाइफ में लव लाइफ में जो चाह रहे हो वो तो मैनिफेस्ट करोगे ही लेकिन साथ साथ आप जो जिस चीज़ की आप हैवी टेंशन ले रहे हो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सो मेक श्योर कि कुछ भी ऐसा है जो कि आपको स्ट्रेस कर रहा है राइट right इस कनेक्शन को लेकर उसके बारे में नहीं सोचो यू you नो know? जो आपकी वरीज़ हैं कनेक्शन को लेके पर्सन को लेके सिचुएशन को लेकर लेट दम डिजोल्व लाइक यू नो उसके बारे में नहीं सोचो क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे आपकी विश पूरी हो जाएगी स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्पेशली अगर आप इंटेंशनली एक चीज़ कर रहे हो और एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करे ताकि आपकी विश जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए आप बिल्कुल सही कर रहे हो आप बिल्कुल सारा कुछ सही करे लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके फियर्स हैं आप उनको भी मैनीफेस्ट कर रहे हो साथ साथ मेक श्योर के फेयरफुल नहीं हो टू गो जेड दूसरी चीज़ आपको करनी ये है कि जो इन कार्ड्स के हिसाब से मुझे लग रहा है आपकी विश डेफिनेटली पूरी होती दिख रही है दूसरी चीज़ जो आपको ख्वाब में मैसेजेस मिलते हैं उनसे थोड़ी गाइडेंस लेने की कोशिश करो यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू यू आपको गाइडेंस मिल रही है आपको थोड़ा बहुत एक इनर नोइंग सी फील हो रही होगी एक इनर पोल सा फ़ील हो रहा होगा कि क्या करना क्या यू you नो know, क्या एक्शन लेना आपके लिए राइट right नाउ सही रहेगा उसके बारे में भी आपको गाइडेंस जो है वो थ्रू आउट इस महीने के अंदर मिलती रहेगी जब भी आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी विश जो है यू uh, नो you know, बहुत uh, आसानी से मिल जाएगी यू you नो know, आपने पहले जितनी एफर्ट्स किए हैं वो मुझे नहीं पता लेकिन रैंडमली इस महीने में जब भी आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो आपको अचानक से सडन डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी इस कनेक्शन में इस सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कुछ ऐसी चीज़ें यू नो प्लान है बाय द यूनिवर्स टू हैपन इन दिस मंथ जो कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी विश पूरी करने के आपको uh, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी देखते हैं औरकल गाइडेंस क्या है पहले दूसरा कार्ड देखते हैं एन उसके बाद फिर लव औरकल देखेंगे योर हार्ड वर्क इज पेंग ऑफ हाँ आपकी आपकी विश डेफिनेटली पूरी हो रही है आपकी जो भी एफर्ट्स आप कर रहे थे वो पूरे हो रहे हैं बट अगैन एक चीज रिकमेंड करूँगी कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना जैसे सपोज अगर आप पर्सन के बारे में सोच रहे तो मेक श्योर sure कि आप पर्सन के साथ साथ उसकी फैमिली के बारे में भी सोचो कि यू you नो know, वो भी हैप्पी एक्सेप्ट कर देंगी रिलेशनशिप और रिलिजन हर चीज़ जो भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि शायद ये ना हो कि वो इस चीज़ से मना कर दें उस चीज़ से मना कर दें ऐसी चीज़ें आपने नहीं सोचती आप जो भी पॉजिटिव सोच रहे हो उसको और इंटेंसिफाई करो अपनी एनर्जी को और इन्वेस्ट करो उन चीजों में और नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट आपको लग रहा है उसके बारे में नहीं सोचो जस्ट थिंक कि सब कुछ परफेक्टली हो रहा है चाहे लव लाइफ से रिलेटेड चाहे काम से रिलेटेड है डोंट थिंक अदरवाइज जो आपकी विश है उसके बारे में सोचो देखते हैं ओरिकल कार्ड लवर्स लवर्सल कार्ड क्या कहते हैं पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज अ न्यू पाथ इज अवेलेबल टू यू फॉलो इट विद फेट अगर आपके यू नो माइंड में पास की वजह से कुछ चीज़ें ब्लॉक के जैसे हैं यू हैव टू लेट दम गो नाओ आपकी लाइफ में इस विश को लेके नए पाथ नई पॉसिबिलिटीज नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी आपको उन गाइडेंस को फॉलो करते हुए न्यू पाथ न्यू पॉसिबिलिटीज़ को फॉलो करना है और फेथ को हाथ से जाने नहीं देना अराउंड दिस कनेक्शन अराउंड दिस सिचुएशन वन विश ऑफ यूर जो भी आपकी विश है पर्सन है उसको लेके आपने जो पॉसिबिलिटीज आपके आगे रास्ते बन रहे हैं खुद ब खुद आपने उनको होने देना है उन पॉसिबिलिटीज़ को आ, या उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने अवेल करना है जो भी आता है स्पेशली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस थ्रू योर ड्रीम्स या फिर यू नो you know, आपके ख्वाब में बी दैट आवाज की सूरत में या फिर विजुअल्स की सूरत में आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस जरूर मिल रही है टूवर्स कैसे आप इस चीज़ को अपनी विश को पूरी करता देख सकते हो तो फॉलो करो कि जो भी आपको इंस्पायर्ड एक्शन यू नो एक आइडिया आ रहा है उसको फॉलो करो उसकी तरफ एक्शन लो आपकी लाइफ में सडन डेवलपमेंट होगी इस विश को लेकर सो जस्ट फॉलो दैट सो या ये थी आपकी रेटिंग जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज किया लेट्स मूव ऑन टू द पायल पिंक जिन लोगों ने पायल सी Uh, आपकी uh, जो भी विश है वो इस मंथ पूरी हो रही है हाँ या ना स्टार्ट करते हैं पहले टैरो से उसके बाद पहले दूसरा ऑरिकल चेक करेंगे और लवर्स ऑरिकल एट द एंड चेक करेंगे लेट्स सी टेन ऑफ पेंटिकल्स सिक्स ऑफ काफ्स द फू वाव बियरफो यस आपकी विश पूरी होगी इस महीने के अंदर अंदर ना मुझे नहीं लग रहा कि कोई ब्लॉक आने वाला है मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव चल रही है आप लोगों के लिए चाहे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा बहुत यू नो पॉजिटिव एनर्जी से स्टेबिलिटी आएगी आपकी विश उस लेवल की पूरी होगी जहाँ पे आपकी यू uh, नो you know, एक होता है ना कि बचपन से ख्वाब होता है कि मेरा मेरी लाइफ में ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए वो सारी मुझे पूरी होती दिख रही हैं आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहने वाला है उस चीज़ को लेकर स्पेशली और मुझे लगता है कि आपने जो मांगा है आपको उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा तो मुझे कहीं पे कोई भी किसी भी तरह का ब्लॉक नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत आसानी से हो रही हैं और होती चली जाएंगी कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए आपको एक बिलीफ होना चाहिए कि वाओ इट्स हैपनिंग एक एक, एक 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 यू नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हो रहा है और ये होता चला जाएगा अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतरीन इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो जस्ट टू ऐड टू दिस पॉजिटिविटी आप डोनेशन चैरिटी अगर आप करना चाहो वो कर सकते हो उसके अलावा अगर आप चाहो तो बर्ड्स को फीड कर सकते हो या पेट्स को फीड कर सकते हो जैसे अब यू नो वेदर चेंज हो रहा है आप बाहर कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्ड्स के लिए पानी रख सको या उनके लिए खाने की कोई चीज रख सको वो भी आप कर सकते हो सो so, स्टार्ट uh, करते हैं यू नो ओरिकल का गाइडेंस देखते हैं कि ओरिकल गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए हैव फेथ इन योर ड्रीम्स आपके सारे विशेज पूरे होंगे आपको बस करना यह है कि आपको उनके ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करना है मुझे नहीं लगता कि आपकी इस महीने के अंदर विश पूरी होने में कोई भी रुकावट है हाँ एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो जैसे मैंने कहा चैरिटी और डोनेशन के साथ आपकी विश जो है वो और ज़्यादा जल्दी पूरी होगी बल्कि उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा जिससे आप जो आप विश कर रहे हो सपोज़ अगर आप रिकन्सिलियशन विश कर रहे हो, हो सकता है कि आपका पर्सन रिकनसाइल करते करते आपको प्रपोज भी कर दे अगर कुछ भी जो आप विश कर रहे हो मुझे लग रहा है आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा चाहे वो लव लाइफ में है या करियर में है अगर आप करियर में छोटी यू नो अमाउंट डिजायर कर रहे हो कि आपका इतना जो टारगेट है वो अचीव हो जाए हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो जाए फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव पौ फेथ रखना है और दूसरा ये कि पॉजिटिव रहना है खुश रहना है एज एफ इट्स ऑलरेडी हैपनिंग और आपको पता है कि आप ये कर पाओगे ये हो पाएगा सारा कुछ आपको पॉजिटिव रखना है देखते हैं और, और गाइडेंस में से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए ट्विन इन्फ्लुएंस योर पैशन इग्नाइट्स आप और आपका पर्सन कुड बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी तो आप डेफिनेटली साथ आ रहे हो लेकिन उस चीज़ को इंटैक्ट रखने के लिए उस कनेक्शन को रिकनसाइल्ड ही रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहकर कनेक्शन को देखो मुझे लगता है कि अगर तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है मेजॉरिटी लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे आपकी रिकनसिलिएशन हो हो सकता है कि फिर से आप दोनों के दरम्यान में कुछ फाइट आप पिक कर लो लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे या आपको फियर होगा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आप यू you नो know, चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव लेकर चलोगे आगे तो आपकी ख्वाब आपकी सारी वर्शिज इस इंसान से रिलेटेड जो है वो पूरी होंगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैशन के साथ साथ रिस्पेक्ट और लव भी एक दूसरे के लिए ज्यादा हो पहले से ज्यादा दूसरा ये कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो क्योंकि काफी सारी फ्रेंड फिल्म जर्नीज में यूजली यही होता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते और एक पैटर्न को फॉलो करते रहते हो सेम पैटर्न फॉलो करोगे सेम रिजल्ट होगा अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट अच्छा रहे डिफरेंट रहे पॉजिटिव रहे लॉन्ग टर्म रहे तो इस दफा आपको थोड़ा यू you नो know, अपने अंदर वो चेंजेस लेके आने हैं जो आप नहीं ला सके थे पहले सो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर फॉलो जरूर करो उन चीज़ों को फॉलो जरूर करो सो so या yeah, ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पाए तेंगे चूज किया सो so या yeah. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया तो लाइक शोर सब्सक्राइब जरूर करो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइड टेक केयर बाय बाय